जो पब्लिक, तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास आज क्वेश्चन है कुछ ऐसा, गिवन इज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एंड वाई फंक्शन के लिए एक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमको इस तरह से दिया हुआ। हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 0 के लिए, सिर्फ कंडीशनल फाइंड करना है, एंड बाकी के लिए क्या फाइंड करना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो हमको जो टेबल दिया गया है उस टेबल में एक्स की 0 के लिए जो वैल्यू है, 1 के लिए जो वैल्यू है, 2 के लिए जो वैल्यू है, उसी तरह से वाई की जो एक्स के लिए वैल्यू है, 0 के लिए वैल्यू है, 1 के लिए है, 2 के लिए, उन सभी का क्या करना है हमको, सिर्फ सम करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसका सम करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू वाई की है एंड ये वैल्यू है एक्स की। तो यहाँ पे क्या आएगा टेबल में, पी ऑफ वाई का सम करेंगे एंड ये वाली वैल्यू का यहाँ पे सम लिखेंगे तो ये एक्स की वैल्यू है सभी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ एक्स। समझ गए, मतलब सिर्फ हमको सिंपल है कि क्या करना है, इन सभी वैल्यू का यहाँ पे सम, यहाँ पे सम, यहाँ पे इसका, यहाँ पे एंड यहाँ। तो सबसे पहले y की जो वैल्यू है वो 0 के लिए सम, 0.02 प्लस 0.08 क्या होगा, 0.1, 0.1 प्लस 0.1 क्या मिलेगा, 0.2। उसके बाद 0.05 प्लस 0.2 क्या होगा, 0.25, 25 प्लस 25 क्या होगा, 0.5, 0.03 प्लस 0.12 क्या होगा, 0.15, 0.15 प्लस 0.15 क्या होगा, 0.30, यानी कि 0.3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से इसका सम करना है कि यहाँ पे लिखना है एक्स वाली वैल्यू का, तो चलो 0.02 प्लस 0.05 क्या होगा, 0.7, 0.7 प्लस 0.3 क्या होगा, 0.1, यानी कि यहाँ पे आएगा 0.1, 0.08 प्लस 0.8 क्या होगा, 0.28, 0.28 प्लस 12 क्या होगा, 0.4, 0.1 प्लस 0.25 क्या होगा, 0.35, 0.35 प्लस 0.15 क्या होगा, 0.50, यानी कि 0.1। अभी यहाँ पे देखिए इसका भी सम क्या होगा, 1, एंड इसका भी सम क्या होगा, 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको पूछा गया था, यानी कि ये है हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, सभी वैल्यूज का सम करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सबका सम नहीं करना है, सिर्फ गिवन वैल्यूज का डिवीजन करना है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स फॉर ओनली y इज इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 0 सिर्फ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन वैल्यू को कंसिडर करना है हमको, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, y इज इक्वल टू 0 लेना है, लेकिन x क्या पॉसिबल है, 0, 1 एंड 2। तो सबसे पहले p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब x इज इक्वल टू क्या है, 0, एंड y इज इक्वल टू क्या है, 0, 0, 0 के लिए, तब क्या होगा, तब उसकी फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0,
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। समझ गए? चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, उसके लिए वैल्यू है ये वाली 0.02। अपॉन पॉइंट वाई इज इक्वल टू जीरो, उसके लिए क्या वैल्यू मिली थी हमको 0.2, यानी कि डिवाइड बाय 0.2, यानी कि ये होगा 0.1। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। उसी तरह से हमको फाइंड करना है सेकेंड आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या आएगा 1, एंड वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा कॉन्स्टेंट 0। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो 1 एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो 0, डिवीजन तो वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो 1 एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 0, तो ये वाली वैल्यू यानी कि 0.08 डिवाइड वाई इज इक्वल टू 0, तो यही है 0.2। यहाँ पे 4 से कैंसिल, तो ये क्या बचा 1, तो यहाँ पे आएगा 0.4। तो ये है अपना सेकेंड आंसर। उसी तरह से थर्ड एंड लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जब एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, वाई तो वही क्या होगा 0, तब सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो 2 के लिए क्या आंसर है, 2 0 के लिए 0.1 अपॉन 0.2, यानी कि ये होगा 1/2, यानी कि 0.1। तो ये तीनों आंसर हमको जो फाइंड आउट करने थे वो हमको मिल गए। यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये एक्चुअली यही हुआ कि प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट ये है, टोटल इवेंट क्या है वाई इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, वही फॉर्मूला है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ।